यहां पैसे की कोई कमी नहीं, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं। आप 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे सकते हो, 45,000 करोड़ रुपए इसने बैंक से ले रखे हैं। किसान कर्जा माफी की बात होती है, किसान से आप कहते हो भैया कर्जा वापस दो, अनिल अंबानी से क्यों नहीं कहते हो? अरे आपने अनिल अंबानी को अपने ऑफिस में बुला के ये भी नहीं बोला 45,000 करोड़ रुपए है वापस दो। हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और हमारे प्रेस के मित्र कहते हैं किसान की आदत बिगड़ जाएगी, किसान का कर्जा माफ किया तो आदत बिगड़ जाएगी। अच्छा भाई, तो अनिल अंबानी की आदत नहीं बिगड़ी क्या? मालिया की आदत नहीं बिगड़ी क्या? मेहुल चौकसी नीरव मोदी की आदत नहीं बिगड़ी क्या? तो अगर आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो तो फिर हम इनकी आदत बिगाड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इनकी आदत ना बिगड़े तो फिर उनकी आदत मत बिगाड़ो, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो इनका होगा, अगर इनका नहीं होगा तो उनका नहीं होगा। सही बोला। 5 साल देखिए, नरेंद्र मोदी कभी कभी पैनिक में चले जाते हैं, आपने देखा होगा, कभी कभी उनको डर लगता है, पैनिक में चले जाते हैं। उनको डर लगता है, पैनिक में चले जाते हैं। मैं बताता हूं, 12 बजे 8 बजे रात को, अच्छा ये सुबह नहीं होता शाम को होता है, 8 बजे रात को पैनिक हुआ। भाई और बहनों मैंने सोचा है कि 500 रुपए वाला नोट, 1000 रुपए वाला नोट अच्छा नहीं लगा, रद्द कर रहा हूं। भाई और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ। उससे पहले बोला था हिंदुस्तान को साफ करना है, तुम सब झाड़ू पकड़ के चलो शुरू करो। ये मुझे बताओ, ये अनिल अंबानी को झाड़ू भी नहीं पकड़ाते हैं, ये अदानी को झाड़ू भी नहीं पकड़ाते हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को झाड़ू भी नहीं पकड़ाते हैं, ये सब किसान को, मजदूर को, युवाओं को झाड़ू क्यों पकड़ाते हैं? झाड़ू उनको पकड़ाते हो? सही बात है ना। सबको खड़ा कर दिया, छोटे दुकानदारों से कहते भैया देखो 21वीं सदी है, अमेजॉन का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा। स्मॉल मीडियम बिजनेस जो रीढ़ की हड्डी है, और मैं आपको यहां से कह रहा हूं अंत में, और अच्छी तरह सुनिए, अंत में जब ये देश रोजगार के मामले में चाइना से मुकाबला करेगा और चाइना से आगे जाएगा तो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के बल पे वो काम होगा। उनको आपने कंपल्सरी टैक्स लेकर मार दिया, 5 अलग अलग टैक्स दोगे, एक टैक्स ना, एक टैक्स तो सिर्फ अनिल जी देंगे, बाकी सब 5-5 टैक्स देंगे, गब्बर सिंह टैक्स। जो थोड़ा सा पैसा बनता था वो भी छीन के ले लिया, नीरव मोदी को दे दिया। रोजगार की धज्जियां उड़ा दी खत्म कर दिया, कहते हैं अच्छा ठीक है, हाईटेक की दुनिया है, फ्राइंग पैन में पकौड़े बनाओ, फ्राइंग पैन भी हाईटेक होता है। अच्छा कहीं जाएंगे कहेंगे बड़ी शानदार चीज देखी मैंने, वहां पे ढाबा था, वहां पे नाला था, उसके ऊपर उसने एक बर्तन, स्टील का बर्तन लगाया, उसमें पाइप डाला, गैस निकली, चूल्हा जलाया, वाह। मोदी जी आप एक काम कीजिए, आप बहुत बोलते हैं, आप अपने सामने एक वो मेटल का लगाओ, उसमें पाइप लगाओ, देखते हैं गैस निकलती है नहीं।
मतलब इतनी जांच मारते हैं जहां जाते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, और हिंदुस्तान को इन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ बांटने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट को जला दिया, जम्मू कश्मीर में आग लगा दी, हरियाणा में लड़ाई करा दी, महाराष्ट्र में लड़ाई करा दी, तमिलनाडु में मतलब आग लगा दी, केरल में जाके आग लगा रहे हैं, और सोचते हैं कि हिंदुस्तान को बांटने से तोड़ने से हिंदुस्तान की प्रगति होगी। एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा इस देश को जोड़ने का काम करती है, वो है कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, आप लोग। और मैं समझता हूं, देखिए मैं समझता हूं कि पिछले 4 सालों में आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मेरे साथ भी अच्छा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी अच्छा हुआ है, आपके साथ भी अच्छा हुआ है, कि 2014 में आप सबको, हम सबको सबक सिखाया कि देखो तुम लोगों में घमंड आ गया है, तुम लोगों में एरोगेंस आ गई है, अब तुम इस घमंड को मिटाओ, तुम ह्यूमिलिटी लाओ, जनता से जुड़ो और फिर हम आपसे बात करेंगे। और आपने ये किया, हम सब ने ये किया, हमारे सीनियर नेताओं ने किया, और माहौल बदल गया है। आप देख सकते हैं मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, इधर देखते हैं कांग्रेस, इधर देखते हैं कांग्रेस, इधर देखते हैं कांग्रेस, इधर देखते हैं कांग्रेस। मैं बताता हूं भैया, लोकसभा में उनके 2-3 MP मिले, कहते हैं भाई हम तो आपके साथ आना चाहते हैं, मतलब उल्टा बीजेपी के अंदर कांग्रेस। तो ये आपका जो संगठन है, इसकी शक्ति है। अब ये संगठन हर 10 साल देश को विजन देता है। आरएसएस, बीजेपी आज से नहीं, इनकी जो सोच है हजारों साल से, देश को विजन नहीं दे पाई, और हर 10-15 साल कांग्रेस पार्टी की सोच, जो कोई किसी एक संगठन की सोच नहीं, जो इस देश की सोच, उसमें सब धर्म के लोग शामिल, सब जात के लोग शामिल, सब प्रदेश के लोग शामिल, महिला पुरुष सबके सब, वो एक आवाज चालू होती है, पहले आस्ते से चालू होती है, फिर आस्ते वो बढ़ती जाती है, और फिर वो आवाज देश को विजन देती है और देश से कहती है अब टाइम जाया हो गया काफी, हमने शाइनिंग इंडिया सुन लिया, अब हमने मन बना लिया कि इनको परे करना है, अब हम कांग्रेस पार्टी में चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें मिलकर एक विजन दे, एक रास्ता दिखाए, वो समय आ गया है। और उस विजन का, उस रास्ते का हमने एक कदम, उसमें 2-3-4 और कदम है, मगर हमने एक कदम पर निर्णय ले लिया है। सफेद क्रांति दी थी, गुजरात से शुरू हुई, पूरे देश में फैली, हिंदुस्तान दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना, करोड़ों महिलाओं को मतलब फायदा हुआ, अलग 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 बिजनेस बने, एग्रीकल्चर का सिस्टम धसा हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन की आवाज उठी, पूरा देश एक हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, देश बदला, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन, उसके बाद लिबरलाइजेशन, मनमोहन सिंह जी ने जो किया पहला कदम 91 में, उसके बाद राइट बेस्ड पैराडाइम, मनरेगा से मिनिमम वेज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया, इकोनॉमी को 9% पे ले गए। अब एक नया समय, एक नया नई विजन की जरूरत आ गई, समय आ गया है। अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी वो घोटाला चोरी तो कर रहे हैं, मगर बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा था, जो हमने 2004 से 2014 तक चलाया,
और मैं यहां से कह सकता हूं जो 2014 में नहीं चला, जो जनता ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, उसी को नरेंद्र मोदी जी फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनल आइडिया नहीं, भाषण देंगे मनरेगा बारे में, फिर कहेंगे चलो भैया मनरेगा चलाओ। तो अब एक नए सोच की जरूरत है। तो हमारा पहला कदम, और ये ऐतिहासिक कदम है, ये छोटा कदम नहीं है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा कदम है, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसा कदम है। हमने निर्णय ले लिया है राइट टू मिनिमम इनकम। क्या मतलब आप बोलोगे राइट टू मिनिमम इनकम क्या मतलब? मतलब जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, हिंदुस्तान की सरकार जो 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो गारंटी करके, जैसे मनरेगा दिया था, गारंटी करके हिंदुस्तान के गरीबों को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बिना किसी दलाल के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर मिनिमम इनकम देगी। ये पहली बार हुआ है। ये आप ऐसे देश में, हिंदुस्तान की साइज वाले देश में ये पहली बार हुआ है। और जो मिडिल साइज देश हैं, एडवांस जो देश हैं, चाहे वो यूरोप के देश हो, जापान, ये सब देश, उधर भी किसी ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। हिंदुस्तान की सरकार इसको अटेम्प्ट करेगी और हम इसको सक्सेसफुल बना के दिखाएंगे। और भैया देखिए, और मैं अपने उद्योगपतियों मित्रों से कहना चाहता हूं, आप गलत फहमी में मत आइए, कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। इसका मतलब जो 5-10 नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, जिनको बिना मेरिट के अनिल अंबानी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, जिनको बिना मेरिट के नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, हम उससे खिलाफ हैं। मगर हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जहां किसान हिंदुस्तान को बनाता है, वहां ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, ये सब इस देश को बनाते हैं और हम इन सब के लिए जगह बनाने जा रहे हैं।